कारगिल युद्ध में द्रास सेक्टर की मस्कोय घाटी में 10 जून 1999 को ढाका की डाणी निवासी सेना के जवान विजय पाल सिंह ढाका ने देश के लिए अपनी शहादत दी। शहीद की शहादत के बाद वीरांगना सरिता देवी ने 6 महीने बाद पुत्र विजेंद्र कुमार को जन्म दिया। विजेंद्र कुमार 12वीं पढ़ाई के बाद नीट की तैयारियां कर रहा है। उसने बताया कि वह चिकित्सक के रूप में देश सेवा कर पिता का नाम रोशन करना चाहता है। ढाका के पिता नौरंगलाल ढाका ने कहा कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र विजय पाल सिंह के चले जाने का दुख तो जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगा, लेकिन देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान का हमेशा गर्व भी रहेगा। पुत्र विजेंद्र को संस्कारवान बनाकर वह उच्च शिक्षा दिलाकर चिकित्सा के क्षेत्र में देश सेवा में भेजना चाहते हैं। विजय पाल सिंह ढाका ने 6 अक्टूबर 1994 को भारतीय सेना की 17 जाट रेजिमेंट में अपनी सेवा शुरू की। विजय पाल सिंह अपनी यूनिट में अच्छे बॉक्सर के रूप में पहचाने जाते थे। कारगिल युद्ध अपनी यूनिट के अन्य जवानों से काफी आगे जाकर वायरलेस सेट से दुश्मनों के बारे में सूचना दे रहे थे। इसी दौरान 10 जून 1999 को रात्रि करीब 11 बजे सिपाही विजय पाल सिंह के पास आकर गिरे ग्रेनाइट की चपेट में आने से विजय पाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। नवलगढ़ में शहीद विजय पाल की याद में शहीद स्मारक बना हुआ है और ढाका के डाणी स्कूल का नाम भी शहीद विजय पाल सिंह के नाम से है। माँ सोनी देवी ने कहा, पुत्र के बारे में अपने बेटे के शहीद होने पर बड़ा गर्व है। उसने माता पिता के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। जो भी त्योहार आते हैं तब मन में ऐसा ख्याल आता है कि आज विजय पाल यहाँ होता तो त्योहार की खुशी में 4 चांद लग जाते। विजय पाल बड़ा बहादुर व निडर था। परिवार में यह सबका लाडला था। कोई भी शैतानी करता था तब इसे कोई नहीं डांटता था। विजय पाल जब सेना में लगा तब हमारे परिवार को खुशी हुई थी, क्योंकि विजय पाल देश सेवा के लिए भर्ती हुआ। परिवार में 60 लोग हैं। जब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व शहादत दिवस आता है तब सारा परिवार नवगढ़ में शहीद विजय पाल सिंह ढाका का स्मारक व ढाका की डाणी के स्कूल में लगी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा याद करते हैं। जब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे शहीद की मूर्ति को नमन करते हैं तो उन सब बच्चों में शहीद विजय पाल दिखाई देता है। वीरांगना सरिता देवी, पति विजय पाल की शहादत के बारे में पूछा गया तो वह भावुक हो गई। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। बात आई है कि पहले तो को बच्चों गली में हो, बहुत लाड चाव से पाले हो, चोको पढ़ायो, चोको पढ़ायो, चोको पायो, बहुत अनन शरीर हो। नोई दशवीं, दशवीं करे के बाद नोई दशवीं बोले बापू मैं अठे पढ़ू को नहीं, अठे दशवीं फिर पास हो गए को नहीं, मेरे से ना आपकी बुआ जी दे दे हो। बुआ जी का जाकी वो दसवीं पास करी, अठे टावरा को नहीं पढ़वा दी होगी, दसवीं पास आपकी बुआ जी के करी, बुआ जी का दसवीं पास करके बाद में बोले अब मैं 11वीं पढ़ी को अठे पढ़ी छू। 11वीं पढ़ते पढ़ते करवाया, मैं लाड चाव करता रही यार, खाने की कोई कमी को नहीं। बीक के बाद वो फौज में फार्म भरा दियो, वो बतो मनी बेरो को नहीं है, मारे कन तो वो सो काम हो गए। बाद में मेरे कन तो कोलेक्टर आए हो ना, बुम रामदेव लगे हो, बोले भाई तेरे सरों में होकर लागो में गया, सपने में कौन लाइयो, बोले लागोर को हाँ पर बरेली सेंटर में गई हो, वो पट्ठे जाए थी और बाग दौड़ करी बरेली, बाग दौड़ करी भी माए गो वो पास पास आए गो तो घर आए गो। जी के बाद ही को कोलेक्टर आए मेरे कन, कोलेक्टर आए थे मैं नौरगढ़ रामदेव रखे हुए, बोला भाई तेरी काबिल ले जा मोड़ क्या खोया, बोला तेरे लड़को खोज में लाखो उनको नहीं रहे, बोला लाखो बोले यार बिन दियो अच्छे चीजें कि मैं काठड़ी गेरो बेचारो बैठे वो चुनाव हो या वो दियो, और बोले बापू मेरे तो नंबर आए को मुको नहीं रहे, बोले नहीं कोई नंबर आए को, और बोले मैं तो भाई 15 दिन में 10 दिन में जाऊँगा, बहुत बढ़िया बात है भाई खुशी की बात है। यहाँ फिर भाया बोलो फिर लाखो नौकर लाल तो मना छत्तो ट्रेनिंग काटी तो घर ही मिलो को नहीं, ट्रेनिंग काट की और बाद में घर आया मेरे बापू ट्रेनिंग काटती है और ड्यूटी पर आपकी नौकरी। अब वो नौकरी करते करते अच्छे गंगानगर ड्यूटी आई थी, मैं गंगानगर से राजभा से मार कने आए भी जाते दूसरे हॉस्पिटल, बहुत खुशी मनाता खुशी से बोले तो भी बाद में होगी सगाई, सगाई पेटी होगी
एक ना नौकर लाग दे बारह महीना आग लो बोले ब्याह पर सुनो कर दे सना मैं तैयार बैठी हूँ बारह महीना बाद ब्याह करी रे बाद में वो नौकरी करी 4 ही साल हुई साल नौकरी सब 5 ही साल में बढ़ते ही अठाई हो 1 महीने की छुट्टी पड़ी छुट्टी काट गई हो ले बापू मैं चालू हूँ छुट्टी पर जहाँ आपके भाई ने पहली जरूर कह गो है मैंने को नहीं कही है कि भाई जहाँ तक दर्शन कर ले लड़ाई में जाऊँ बेरो को नहीं के हो जा तो भाई हो थाने का बेरो पटे हो जब विजयपाल जी शहीद हो गया है विजयपाल जी शहीद हो गया जब थाने का बेरो पटे हो विजयपाल जी मतलब 2 दिन 3 दिन तो मानी बेरो को नहीं पूरे मार तो हो रहा टूट का मतलब सही ले भाई आपने हर साल क्यों आ रहा है पच बाद में धीरे धीरे मैं फोन करा पके डब्ल्यू पर जाके तो वो फोन को नहीं उठाओ कोई या गोड़ा मत ही टूट का बी के बाद में समाचार मिलियो को नहीं माने समाचार मिलियो पहले दिन ही कि भाई ये मनुष्य आदमी रहे थे पुलिस आई गया पुलिस आई बोली जी थारे लड़को के नाम हो विजय पाल बोला ठीक है नाम नाम लिख लेखो लिखे राय भी लेकर देख लेखो घर की फोटो वगैरह देखो डेड बॉडी शायद थाने में आएगी पर राखी वो मानी गए लोगों ने मारे वो तो ठीक है पच मारे होगा उस चुप मुको एक ही होगा बोले मेरे लाल को नहीं भाई पुलिस तो ही है करे है डाणी का अफसास नहीं उठाए हो कि डाखाण वास को है उसका है डाखाण डाणी को नाम ही लिख दियो डाखाण वास को जाए हो यहाँ करके माने रात रात काटी दिन के पहली मारी साथी को डेढ़ बजे आई आओ तो आज थाना सरकार से सुविधा सरकार जी टाइम में माने भी दुख पे माने भेजा करोड़ भेजा 10,000 और भेजा 5 लाख बाको तो माने बेरो ही तो पड़े को नहीं कट्ठे गया रहती हो क्यों कहीं होना ही क्यों हो जी के बाद में सोले मन को मिलो के माँ बाप के लिए पंचल चालू है बात ब्याज रिपया को पूछा को बरेली सेंटर से 3,000 रिपया और 3 महीना साता मारे थे चेह को पूछो चेहरे पर वो भी 7 महीना बार वो और नहीं मारा घर तक सड़क की कही के घर तक सड़क पड़ेगी था वह घर तक सड़क भी अपनी रोड से टर्की कितने भी रहे अति दूर पड़े बाकी आ सड़क ही माने कोनी गिराई सोले क्यों को हमारे तो कुछ ही नहीं दे रहा क्या मूर्ति का दाम और दोनों मूर्तियां का जोड़ी स्कूल में लगा रहा कि आप मूर्ति घूम चकर थे देखो ही हो रहा है वहाँ दोनों मूर्तियां का जब पर जा जा कि मैं मूर्ति करवाई या मूर्ति आई तो मैं कभी छोटी छोटी कर दिया बिन तो करी कंसल और दूसरी मूर्ति करवाई की और पिछली बार में 75,000 रुपया देगी मूर्ति करवाई हमें मूर्ति करवा रहा जगह जगह जरूर अभी सरकारी हजोरी में और भाभी सरकारी जगह है वो बहुत सहूलियत मिलो मूर्ति की जगह का मूर्ति का और बाहर की बाउंड्री का टोटल पीसो मेरी जेब से लागू है लो लकड़ लागू है और लागे है फिर भी बराबर आरसी सी कराई है तो टोटल पीसो अपन कोई सरकारी एक रिपोर्ट ही कौन दी है जो भी बाटे के मायने दे दिया भाई कुछ भी जगह मारे ध्यान में भी कोनी एक जियो भी मारे पल्ले को नहीं पड़ गया अब माने कोई सहूलियत मिल जो नहीं है कि माँ बाप ने दिया खाली पंच सलाह वह भी की और कतर भी आप पेंशन का बगा कितना रुपया हुआ पेंशन का 2,000 मन छीटो को जी हाँ पेंशन भी बीजनी के नावा जाते मैं क्या ने पूछा अच्छा अच्छा पेंशन भी के नहीं आवा है और लग है एक वो मिल रही है एक जोने में गैस एजेंसी मिल रही है हाँ। 38 भी तो मिलियो मान लेकिन भी को मजो को नहीं जोने एजेंसी भी मैं जो मैं ऑलरेडी की जाऊंगा जो को माने तीन का ठंडे से करके और झुंड में दिवा दी झुंड में मारे साल संभाल को नहीं हो जाएगी थी पर कोई दे दू को नहीं तो अब को जुजनू को संभाला कोई संभाले भी क्या अपने गैस एजेंसी एक बच्चों जाए वो छोटे छोटे विजय वाली विजेंद्र जी जाए जा बन अच्छा विजय पाल जी को बाण जन पता है कि बाण जन सर है पर भी क्या जानी हमारे भाई एक तो नौलगढ़ की होती है अपनी अरबी की संभाल होती विजय पाल जी की बचपन की याद है कि बरम बताओ विजयपाल के बतावा के विजयपाल ने वो प्यार सुई तो पढ़ाई हो प्यार सुई दसी ती कर ली नहीं प्यार सुई नौकरी लगे हो और पढ़ते पुढ़ते नौकरी लागो और पास आई खी बड़े मैं दुनिया की शायद ही करूँ बजू हो
वो पढ़ना लिखा था तो मैं जीत की आऊ। अब देखो बाबा होगी जीते वो भैया देखे भगवान मैं तो 24 घंटा मारता हिड़ते हिड़ते रखा फौज में। फौज में जाबा की इच्छा क्या था ने बताई कि मैं फौज में जाऊंगा। हाँ फौज में जाना की इच्छा बताई वो देखो मामो तो हो और फौज में लगू जा फौज में ही लगू सागे प्रधान का सरों ने विषय छोड़ के अलग और दशी में ही बढ़ी हो दशी पूरी करी को नहीं दशी करती है करती है। हाँ ग्यारी ग्यारी नहीं छोटी एक बापू तो आया बोले बोले मैं ग्यारी करवाशू और वो जिद्दी करके लगे हो मैं लगू फौज में मैं ग्यारी करू ही कोई बापू मेरी फीस मत दो थी और लगे वो जिद्दी करके ही हो और बच्चों अब तो टेलीफोन चल गया पहले टेलीफोन को नहीं कागज आता ना तो भी का समाचार मेरे तो सके पहले आते जब समाचार आते हो जब खुशी क्या की हाँ, क्या की क्या की खुशी खुशी का तो माँ के ढंग है मैं बहुत खुशी हूँ और तू आई रहा के भाई आपनो बेटो जहाँ के देश की कते सहायता करे। और जब ये घर आता जना की आपको खुशी का माहौल होता हो बहुत ही खुशी मानी बड़ी खुशी मानी और अब भी 24 घंटा आ देख रखे तुम्हारा जो जो ब्यासा हो तो पली एकदम वही गो रहे मान बाको बचपन क्या को बीतियो जी हां मतलब खाना में के पसंद हो बने जी बहुत बढ़िया मेन्यू भैया खाना चाहे सो खाओ वो बस एरिया की सब्जी भी हां गाड़ी एरिया की सब्जी बहुत मुझे खाई और मैं खाना में के क्या के भी देख लो चाहे खाना में भी होशियार हो तो भैया बात में भी होशियार हां काम करवा में मेरे सगले परिवार में होशियार। ये कतब कतब बनवाई है विजयपाल जी 3 मानवाई है 3 मानवाई है। हाँ मैं विजयपाल जी बड़े बड़ा हाँ बड़े बड़े विजयपाल जी भाई छोटो और बस छोटी भाण भाण। और मतलब खेल कूद में भी हाँ खेल कूद में भी होशियार तो सगे ही अड़ा ही टावरा ना भूल जो चाहे सो खेल कूद में भी होशियार हो और दूसरा सो भैया राजी पेट में भी होशियार हो प्रेम ससुर तो खुराक दो और ज्यादा दुश्मनी कर तो भी कि फिर रान काटन पर त्याग कर तो मन का नहीं है ना को और अच्छा ना किए तब साहब को नहीं आप तो वो भी यहाँ लड़ाई के लिए तो ना से कैसो कर ले जाता ही कर तो। तो जब पहली बार बड़े फौज में आ गया विजय पाल जी तो घर में क्या को माहौल हो खुशी को सागेड़ो खुशी अच्छा ही तो जना तो मुता ही मारा खुशी हो यस भाई आप में फौज में लागो फौज में लागो खुशी और वह खाने की पहनने की कोई कमी को नहीं है कमी को नहीं मेरे तो घर का मजे को कमाते खाते बने कर। और आपको ब्याह फौज में लगे बाद में हो या बाद में हाँ कितने साल बाद में हो ब्याह को फौज में लगे बाद में कैसा पास के हाँ बताओ अब नौकरी 4 साल ही लगे 5 ही साल तो बड़े ही अब हो भी 25 साल को 99 का मान लो यार और ओयो भी 25 साल को जी बोल बोल को नहीं जी नाम भी 5 साल का मान ही है हम तो वो अनबेरो है सो बाको अबे बाकी शादी 12 महीने बाद में हुई लगे हाँ 12 महीने बाद में दोनों भाई के साथ गई तो दोनों भाई के साथ में शादी हुई हाँ सागे शादी हुई। तो बाकी अब लड़का कता है विजयपाल जी का विजयपाल जी का एक तो है भाई एक लड़को लिखावट में वो भाई वही है दोनों के एक भाई तो पर तो पढ़ियो और अब है जो आपके भी गैस चेंज पर जाना और भाई भाई भी पढ़ा है भाई पढ़ा कौन सी क्लास में भाई भाई तो अब तेरी में हो रही है सेकंड ईयर में आपका हाँ तेरी की दर्जी तेरी में करती हूँ तेरी के लिए सेकंड ईयर में है हाँ क्या नाम है बाण भाई को भाई को तो है विजेंद्र विजेंद्र हाँ और भाई को है विजेता अब विजयपाल जी की कुर्सी याद है जो मतलब भी मैं खुशी होती है अपने भी मैं एक बाको बचपन हो क्या को बीते बाको हां जनाड़ तो बहुत खुशी होती है नहीं बचपन हो क्या को बीते बाको बचपन के बारे में बाकी बचपन के बारे में बताओ थोड़ा हां कीर्तन
पूछी तो अब तो गलती पर घनी पूछी पूछी और गोदी मुंडा कई बन गई हरदम कोई चीज होती तो पहली चोट आई की और तापन को दे जी जी साहब सु मारे घर में आज भाई आ चीज आपने घर में आ चाहिए क्योंकि राफ गलत प्यार में तो कमी को नहीं पड़े अब भगवान ही और चेक जाऊं पाई हुई अब दुनिया का पड़का फोड़ दे बात है कि नहीं तो आज गैस जैसे कमी भी क्या की सही है क्यों ठंडा बैठ भैया का टापरा हो जाए अभी दिखे था से के कोठी है जेन में दुश्मना का पकड़ता है दुश्मना का फो मैं तो मारा ठंडा पाला आई बोल दे होद नड़ मारे खानू राम हो जाए खानू राम मैं सोचा तू आए वो तू आए एक दिन पन्नी भी या जात के मतलब तुम्हार तो आगो पड़ा पुलो को नहीं आवा तुम्हार तो आगो को छौ दिखे 24 घंटा मत थमा नहीं खड़ा को नहीं तुम्हारा बताओ अपना रूम में रही तो जिंदे की हाथ ना हाथ ना जो जिंदे नहा दो अगरबत्ती दीवा बाजी खजी 3 बजे सरकार दे ना और कोई और